हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं कैपिटल वेस्टिंग के एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स फॉर द ईयर 2021। उससे पहले आप अपने फॉर्मूले रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट सी प्रॉब्लम 30। कुछ क्वेश्चन है जिसके आपको लेटर दिए हैं। एबी लिमिटेड इज कंसीडरिंग परचेज ऑफ ए न्यू ऑटोमेटिक मशीन विच विल कैरी आउट सम ऑपरेशंस एबी एंटरप्राइजिंग की परफॉर्मिंग द मैनुअल लेबर। वो कंपनी एक न्यू मशीन परचेज कर रही है और हम जो प्रेजेंट वर्क कर रहे हैं मैनुअली उसको रिप्लेस करेंगे। उसके लिए टू अल्टरनेटिव मशीन 1 और 2 आर अवेलेबल इन द मार्केट। तो 2 मशीन्स अवेलेबल हैं मशीन 1 और 2। उसकी कॉस्ट आपको दी है दोनों के 1 की, और जो लाइफ है दोनों की वो है 7 ईयर एंड 9 ईयर्स। फिर आपको ये है कि सेविंग्स होंगी आपकी कुछ वेजिट में, स्क्रैप में, और कुछ हमारे एडिशनल एस्टिमेटेड कॉस्ट पड़ेगी आपको इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर एंड सुपरविजन आएंगे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ये दोनों मशीन का क्या क्या किया है पर एनम। डेप्रिसिएशन हमने चार करनी है स्टेट बैंक के बेस पे। टैक्स रेट है 30%, एक्सपेक्टेड रेट और रिटर्न है 12%। प्राइजिंग वैल्यू फैक्टर लिया है 12% फॉर 7 ईयर एंड 9 ईयर। को आपको सजेस्ट करना है विच अल्टरनेटिव आर बेटर अकॉर्डिंग टू एवरेज रेट और रिटर्न मेथड एंड प्राइजिंग वैल्यू इंडेक्स मेथड। को कैलकुलेट करके हैं पहले, देखो दोनों मशीन की कॉस्ट ली है, लाइफ है, उससे डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो फिर हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। ARR के लिए हमें पैक चाहिए और प्राइजिंग वैल्यू इंडेक्स के लिए हमें चाहिए कैश। टू मशीन है, दोनों की कॉस्ट है 7 ईयर 9 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 ईयर
जाने में छोटी सी भी मंदिर अपनी मंदिर मशीन को भी मशीन कू में टोटल है आपका 20,000। तो बैलेंस है जो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन जिसे जो 27,000 एंड 62,000, उसमें से माइनस कीजिए आप डेप्रिसिएशन जिसे जो 10,000 एंड 20,000। बैलेंस है जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 17,000 42,000, सो माइनस टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। बैलेंस एक पैक टैक्स आपको दिया है रेट 30%, दिस इज 17 माइनस 30% 11,900। तो 42 माइनस 30% 29,400। टैक्स में डेप्रिसिएशन ऐड बैक करके हमने ये बन जाएगा कैश इनफ्लो। अब आपको कैलकुलेट करना है नंबर वन एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ARR। ये इनकम स्टेटमेंट है आपकी 1 to 7 ईयर एंड जिसे 1 to 9 ईयर। तो हर साल प्रॉफिट सेम है तो यही एवरेज बन जाएगा। तो इट मीन्स फार्मूला है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन इन्वेस्टमेंट 100। तो उसमें पैक है आपका 11,900, इन्वेस्टमेंट इज 70,000 इंटू 100। तो दिस विल बी ARR 11,900 अपॉन 70,000 17%। सेकेंड केस में है आपकी 29,400
पैक इन्वेस्टमेंट है आपकी 180 इंटू 100, 29,400 अपॉन 180, जिसे 16.33%। तो मशीन बनेगी बेटर बिकॉज इट हैज़ ए हायर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। सेकंड आपको कैलकुलेट करना है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, जिसका फार्मूला है टोटल प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। अब प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपके पास है कैश इनफ्लो सेम है, उसको मल्टीप्लाई कर रखे हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एनईपी एट 12% फॉर एन नंबर ऑफ ईयर। एनईपी फैक्टर भी देखो आपको दिया है, कैश इनफ्लो सेम ही है हर साल आपका, दिस इज गिवन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एनईपी एट 12%। और 7 ईयर का आपको दिया है 4.565 एंड फॉर 9 ईयर 5.328। उसको मल्टीप्लाई कीजिए कैश इनफ्लो से, यू विल गेट योर प्राइजिंग वैल्यू। टोटल प्राइजिंग वैल्यू कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो इज गिवन 21,900 इनटू पीबी फैक्टर 4.565, दिस टोटल इज कमिंग 99,973। सो व्हाट विल बी प्रॉफिटेबल इंडेक्स, इसको आप डिवाइड कीजिए इन्वेस्टमेंट से डिवाइडेड बाय 70,000, जिसे कमिंग 1.428। जन फॉर मशीन को कैश इनफ्लो 49,400 इनको पीबी फैक्टर 5.328, टोटल प्रेजेंट वैल्यू 263.02 डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट 180। सो वर प्रॉफिटेबल कैन जस्ट 1.462। सो हायर की बेटर, सो दिस इज हायर, सो दिस मशीन इज बेटर। तो ए आर आर के बेस पर मशीन 1 बेहतर है आपकी, और प्रॉफिटेबल के इंडेक्स के बेस पर मशीन 2 ही बेहतर। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रेसी प्रॉब्लम 31, उसमें आपको मेंशन किया है कंपनी है को मेक ए चॉइस बिटवीन 2 प्रोजेक्ट्स नेमली ए एंड बी, और उनका डाटा दिया है। ए एंड बी का कैश इनफ्लो है लाइव है आपकी, सैलरी वैल्यू 0 है, आई आर आर हमें दे रखा है प्रॉफिटेबल के इंडेक्स। फिर आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स भी दे रखे हैं, कुमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मीन्स एनईपी फैक्टर्स हैं 15%, 14%, 13%, 12%, 11%, 4 साल के भी हैं और 5 साल के भी हैं, क्वेश्चन भी दिए हैं आपको। आपको कैलकुलेट करने हैं फॉर प्रोजेक्ट ए एंड बी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, पे बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो स्टार्ट करते हैं, देखो दो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स आर ए एंड बी, तो इसकी हमें दे रखी है एनुअल कैश इनफ्लो, लाइफ भी आपको दे रखी है इन नंबर ऑफ ईयर से, लाइफ है जो 4 ईयर एंड 5 ईयर। एंड कैश इनफ्लो गिवन पर एनम इन रुपीज 250-240। फिर आपको ना आई आर आर दे रखा है क्वेश्चन में 15%, 14%, और एक आपको दे रखा है प्रॉफिटेबल के इंडेक्स PI, जैसे 1.064 एंड 1.076। तो हमें सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कैलकुलेट करनी है, तो हमारी IRR की डेफिनेशन होती है, IRR से क्वेश्चन स्टार्ट होगा पहले आपका। सो वी नो गैट एट IRR प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, तो कैश इनफ्लो है आपके पास, इसकी प्रेजेंट वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं 15% के ऊपर 4 साल के लिए, उसका फैक्टर भी दे रखा है आपको। तो लेट अस राइट बता रहा हूँ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एनईपी एट 15% फॉर 4 ईयर, और देखिए कुमुलेटिव फैक्टर दिया है क्वेश्चन में, 4 ईयर का है 15% के ऊपर 2.856 किसी गिवन, इसमें चाहिए 14% फॉर 5 ईयर, 14% भी आपको दे रखा है फॉर 5 ईयर 3.432। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए कैश इनफ्लो को पीवी फैक्टर से, तो वो आ जाएगी आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, किसी कैश इनफ्लो इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एनईपी, यही आपकी बन जाएगी इन्वेस्टमेंट, देखो किसी गए आई आर आर।
सो दिस वैल्यू इज कमिंग 250, इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप 2.856 से, दैट विल बी अवर इन्वेस्टमेंट। सो 250 × 2.856 दिस इज 714,000। सिमिलरली दिस वन इसका कैश इनफ्लो है 240 और इसका पी वी फैक्टर है 3.432, दिस विल बी इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट बी। जैसे कि 823,680 जैसे अवर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, नंबर फर्स्ट आंसर इन्वेस्टमेंट। तो सेकंड ईयर आस्किंग बच्चे पेबैक पीरियड होगा प्रोजेक्ट से, तो पेबैक पीरियड सिंपल है, कैश इनफ्लो सेम है आपका, पेबैक पीरियड इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो, इट मीन 714 डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो है आपका 250, कितनी पेबैक आ जाएगा आपका 2.856 ईयर से। इसी के 823,680 डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो 240, उसका पेबैक आ जाएगा 3.432 ईयर से। इतनी जो एनुअलिटी फैक्टर है वही पेबैक पीरियड बन जाएंगे आपके, क्योंकि कैश इनफ्लो सेम है हमारा हर साल। तो नाउ क्या आस्किंग बोलते हैं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो, तो आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी के इंडेक्स हैं, उसका फार्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू अपॉन इन्वेस्टमेंट, को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे उससे प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी कैश इनफ्लो की। तो पहले कैलकुलेट करके हैं प्रेजेंट वैल्यू, तो मल्टीप्लाई कीजिए, सो यू विल गेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ये प्रेजेंट वैल्यू होती है एट रिक्वायर्ड रिटर्न के, जो डिस्काउंट रेट होता है हमारा, कुछ मीन्स प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, इन्वेस्टमेंट आ गई आपकी 714, इसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आपको दे रखा है क्वेश्चन में 1.064, फिर भी टोटल प्राइसिंग वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो जिस 759,696, इसमें से माइनस कर दो आप इन्वेस्टमेंट 714,000, बैलेंस आपकी एन पी वी तो किसी कम इन 45,696। सिमिलरली प्रोजेक्ट बी में उसकी इन्वेस्टमेंट है 823,680, उसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है 1.076, तो यू विल गेट योर प्राइसिंग वैल्यू कैश निकलो 823,680 इनको 1.076 जैसे जो 886 है 280, राउंड ऑफ करके हम 280 बन जाएगा, माइनस कर दीजिए इन्वेस्टमेंट 823,680, बैलेंस ही एन पी वी 62,600। एन पी वी के बेस पर आप देखेंगे बी इज बेटर, पे बैक के बेस पर आपने देखा था कि जिसका लोअर होता है जिसमें नीचे बेटर है। नेक्स्ट ईयर आस्किंग बताइए जो कॉस्ट और कैपिटल ऑफ प्रोजेक्ट्स, तो कॉस्ट और कैपिटल होती है हमारी प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो डिटरमिन होती है कॉस्ट और कैपिटल के बेस पर, तो उसके बेस पर अप्लाई कीजिए फार्मूला। तो मीन्स फार्मूला ये है हमारा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू कैश इनफ्लो इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एनुअली एक कॉस्ट और कैपिटल फॉर एन ईयर। तो आप देखेंगे प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो प्रोजेक्ट एट ही है 759,696, कैश इनफ्लो भी है आपके पास, कैश इनफ्लो इज गिवन टू अस पर एनम 250, इनको कर दीजिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एनुअली के, मिसिंग है आपका फॉर, और इसकी जो लाइफ है एक ही ये है 4 ईयर्स, ये फैक्टर आ जाएगा आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एनुअली एट के फॉर 4 ईयर्स। अब देखिए जिस फैक्टर की कमिंग 759,696 डिवाइडेड बाय 250 जिसे 3.0388 3.039 भी कह सकते हैं। अब देखो टेबल में चेक करो, 4 साल का आपको देखना है, 4 ईयर के फैक्टर दे रखे हैं आपको कुमुलेटिव,
तो 3.03 आ रहा है आपका 12% के कॉरेस्पॉन्डिंग। इट मीन्स देयर फोर अवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ए 12% जो आपको टेबल दिया है क्वेश्चन में। सिमिलरली फॉर प्रोजेक्ट भी उसकी इको प्रेजेंट वैल्यू है आपकी 1,216,280 इज इक्वल टू कैश इनफ्लो 240 है इसका। उसका पी वी फैक्टर है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एनुटी एक्स के, इसकी लाइफ है 5 साल की। कैश इनफ्लो 240 है और लाइफ है 5 साल की। तो आप कर दीजिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, सो यू विल गेट योर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एनुटी एक्स के फॉर 5 ईयर इज 1,816,280 डिवाइडेड बाई 240 जिसे जो 3.6928। अगर देखो क्वेश्चन में जो टेबल किया है फिफ्थ ईयर में देखना है आपने, फिफ्थ ईयर में जिस फैक्ट्री के अभी 3.693 बन रहा है हमारा, तो हमें 3.694 है एंड जिसे कॉरेस्पॉन्डिंग को 11%। इट मीन गेयर फोर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 11%। जिस प्रोजेक्ट की रिक्वायर्ड रिटर्न कम है दैट विल बी बेटर यू कैन से, क्योंकि उसमें आपको एनपीवी जो प्रॉफिट है वो जल्दी मिले। उसमें हमने इस लेक्चर में हमने कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम डिस्कस की ऑफ द ईयर 2021 रिलेटेड टू कैपिटल वैल्यू। थैंक यू।